पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को कथित घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है, वह अपनी जांच जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम ये है कि इस स्तर पर जांच को रोकना होगा। आपको बता दें कि 2014 से 21 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल में शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में नौकरी पाने के लिए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से टीएमसी नेताओं की ओर से 100 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए गए थे, जिसमें अभिषेक बनर्जी, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए थे।